प्रतापगढ़ जिले में एक ओवरलोड पिकअप पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक परिवार पिकअप से सवार होकर सूरत से गंगानगर जा रहा था कि नेशनल हाईवे पर 113 स्थित कटारो का खेड़ा गांव पहुंचे ही ड्राइवर को अचानक की नींद की झपकी आ गई और पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में एक की मौत महिला, एक लड़की और एक लड़का, एक और पुरुष शामिल थे। 3 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक का इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 अन्य घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद पीपलपुर थाना पुलिस व प्रतापगढ़ एसपी अनिल बेनीवाल भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पीपलपुर थाने से सहयोगी उपप्रदेश निरीक्षक शंकरलाल ने घटना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उक्त परिवार शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। आज सुबह करीब 8:30 की बात है, कटारो की बैम में हाईवे रोड के पास एक पिकअप पलटी खा गई, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए और 3 मर गए। मरने वाले में से एक महिला है, उसकी उम्र करीब 50 साल होगी। एक लड़की है, उसकी 10-12 साल की करीब उम्र होगी। एक लड़का है, उसकी उम्र करीब 12 साल की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये सूरत से इनके गांव जा रहे थे। कोई पिकअप थी, उसमें एक बबलू करके उसका सामान भर के गंगानगर सिटी लेके जा रहा था, जिसमें ये लोग सूरत से बैठे थे उनके गांव जाने के लिए। रास्ते में इस तरह से ड्राइवर को झपकी आई, कुछ हुआ, वो गाड़ी पलटी खा जाने से ये हादसा हुआ। कार्रवाई